हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली। तो एक व्लॉग मैंने शूट किया हुआ था काफ़ी टाइम से, जिसकी क्लिप्स मुझसे मिसप्लेस हो गई थी। तो अभी वो व्लॉग मैंने एडिट किया है और मैं अब पोस्ट कर रही हूँ, तो आप उसको एंजॉय कीजिए। और आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगे। गुरुजी के बर्थडे का व्लॉग है, सो गो एंड एंजॉय। सो गुरुजी का सत्संग है मम्मी के घर में, तो थोड़ा सा एक क्लिप मैंने घर से निकलते हुए शूट किया। भूख लगी है बहुत तेज, तो खाने में आज बना है ये वेज पुलाव साथ में रायता, और ये बिंदिया जी यहाँ पे खा रही हैं। तो पहले पेट पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद आपको आगे दिखाती हूँ कि आज का दिन कैसे जाएगा हमारा बर्थडे का सेलिब्रेशन। रज जी, ये दित्या आपको कुछ बताना चाहती है। कल क्या हुआ है? गुरुजी के लिए तुम प्रसाद लेने गए थे, नानी और तू। हम लोग गुरुजी के लिए मट्टी लेने गए थे। हाँ। तो नानी ने वहाँ पे मट्टी चूज कर ली, खा भी ली। हाँ। देख ली। फिर उसके बाद हम लोग अंदर बिल बनवाने गए। हाँ। कुल्फी मिल रही थी तो हाँ। नानी ने बिल कटवाया, फिर नानी ने कहा दित्या जब तू कुल्फी ले, मैं मट्टी लेके आ रही हूँ। हाँ। मैंने ले ली कुल्फी। हाँ। नानी कहती कि मैंने नानी को पूछा, नानी आपने ले ली मट्टी? कह रही हाँ चल। फिर ये चली गई वहाँ पे। फिर मैं हमें याद भी नहीं रहा कि मट्टी ले है नहीं, और घर आके पता चला कि मट्टी भूल गए। वाह अरे वाह, शुक्र करो पर्ची थी तो मट्टी मिल गई गुरुजी की, नहीं तो प्रसाद क्या क्या करते हैं। ये लोग गुरुजी का प्रसाद लेने गए थे घंटाघर से, मट्टी के पैसे दे के आ गए और मट्टी भूल गए, और वो अपनी आइसक्रीम खाने में मस्त हो गई और वो सोच रही हाँ मैंने ले ली मट्टी, आए हैं तो घर में पता चला मट्टी ही नहीं है। ऐसे तो ये काम होते हैं हमारे सेठी निवास में। खा ले यार, तू इतने नखरे क्यों साड़ रही है? क्या स्पाइसी है? चलो देखते हैं डेकोरेशन का क्या हाल है। ये बन गया गुरुजी का दरबार, ये डेकोरेशन। मेट्रो स्टेशन ठीक रहेगा। ठीक है, तो फिर मैं हाँ 30,000 ही मेट्रो स्टेशन। ठीक है ठीक है, चलो मैं तो हो गया पूरा डन। अब क्लीन कर ले। ये हैं हमारे भैया जो गुरुजी का दरबार सजाते हैं। बता दे अपनी दुकान के बारे में कहाँ पे है। आप ही बता दो। अरे बता दे, ब्लॉग में डालूंगी मैं। बोल दो कोई साथ में कर लेना। शास्त्री नगर पहले सीधा शीतला माता मंदिर के पास हमारी शॉप है। कभी भी आपको गुरु जी की डेकोरेशन करानी हो तो बता दीजिएगा। ये बहुत अच्छी डेकोरेशन करते हैं, और ये हमारे यहाँ पे करीबन 10 साल हो गए, 10 साल से गुरु जी के दरबार की डेकोरेशन कर रहे हैं, और बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छा। तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी इनका नंबर, आप इनको कॉन्टेक्ट कर सकते हो कभी भी। नाम बता दे भाई, क्या तेरा? नीरज फ्लावर। तेरा नाम क्या? वो तो मुझे पता है नीरज फ्लावर है। विकास फ्लावर है? विकास। विकास तो ठीक है, विकास का नंबर मैं डाल दूंगी, आप कांटेक्ट कर लेना। सो ये रही फाइनल लुक गुरुजी की। डेकोरेशन किया है, डेकोरेशन तो फ्लावर्स का पार्ट से कराया, बट जो इसमें चीज़ें डेकोरेट करी हैं वो मैंने और मेरी मम्मी ने मिल के करी हैं। सबसे प्यारा जो मुझे ये लग रहा है। अब हम थक गए हैं, थक के बैठ गए हैं, और अभी तैयार होएंगे गुरु जी के बर्थडे पे। ये और सुना दित्या, कोई कुछ चला गया? डिड यू मिस्ड मी? मैं तो बिंदिया को कह रुक जा आज रात को, आप तो रुकते ही नहीं हो। काम इतना होता है क्या, सलून भी जाना पड़ता है ना। ये मेरी मासी के हाथ है ना, जो आप लोग मेरी मासी से मिलोगे ना तो मेरी मासी के हाथ इतने प्यारे लगते हैं। गोले मोले से? गोले मोले, गोल मोले। अभी मुझे कहती मासी, वो इसकी मम्मी कहती पहले व्लॉग में भी यही सूट पहना था, अभी भी व्लॉग शूट कर रही है यही सूट पहना हुआ है। तो क्या करें, यही डाला है। अभी तो मासी बहुत हीरोइन बन जाएगी। फेवरेट सूट आ मेरा, ये मेरा फेवरेट सूट है, इसलिए मैं बार बार यही सूट पहनती हूँ।
वो देखो मम्मी क्या कर रही है, दिखाती हूँ आप डालूंगी। मम्मी एज यूजुअल नानी रोजेस, रोजेस भी लगाने हैं वहाँ पे, रोजेस भी लगाने क्या डिम्पी, वाई यू ऑलवेज बी सो ओखी डिम्पी, तो ओखी क्यों रहती है, ओखी क्यों रहती है तू, किसकी वजह से, ब्लॉसम की वजह से, कितना गंदा फेस आएगा तेरा व्लॉग में, और ये मैं डालने वाली हूँ, मैं तो डालूंगी ये। गुरुजी का दरबार सज चुका है और गुरुजी को वेलकम करने वाले हैं हम बहुत ही जल्दी। ये गुरुजी का चोला कितना प्यारा लग रहा है, ये गुरुजी की जुतियाँ, सब चला दो ना वो वाली ले लेना, दो ही तो जलानी है, अरे वो उसमें से ले ले, इसमें से इतने में दूसरी तिल्ली से ही चला ले। बस क्या हुआ, चलाओ एक सेकंड में उतर जाऊं, लोग तो कहते हैप्पी बर्थडे गुरुजी, हैप्पी
हैप्पी बर्थडे गुरुजी। तो ये रहा गुरु जी का लंगर प्रशांत डिवाइन ब्लेसिंग। क्या खा रहे हो पीयूष? व्लॉग में डालूंगी मैं। ये लो पापा। अरे भैया, आई होप आपको ये वीडियो और ये व्लॉग अच्छा लगा हो। और मैं बस इसी तरीके और भी वीडियोस और व्लॉग्स डालती रहूँगी। बहुत सारी क्लिप्स मेरी मिसप्लेस हो गई थी ड्यू टू सम टेक्निकल रीज़न, तो अब मैं सारी एक एक करके अपलोड करूँगी। और ये नया साल आप सबके लिए बहुत अच्छा हो, एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। एंड इसी तरीके मेरे चैनल में वीडियोस देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। लव यू ऑल। खुश रहो, मस्त रहो।